जो मुझे लगता है आपको आज तक पूरे YouTube पे आपने कितनी भी जॉब की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये टिप आपको किसी ने नहीं बताई होगी एंड आई कैन बेट ऑन दैट। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कोई वैकेंसी नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको जो मेन कोर प्रॉब्लम चल रही है सबकी लाइफ में, कि वैकेंसीज तो आपने बता दी, जॉब्स तो अप्लाई कर दी है, लेकिन कॉल्स नहीं आ रही हैं। लिंक्डइन पे अप्लाई कर दिया है, कॉल नहीं आ रही है। इंडीड पे अप्लाई कर रहे हैं, जॉब हम सब जगह अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कॉल्स हमें रिसीव नहीं हो रही हैं। कॉल्स क्या, इंटरव्यू मेल तक रिसीव नहीं हो रही हैं। सो वॉट टू डू, मतलब लोगों को इसलिए इस टाइम बहुत डिमोटिवेशन हो रही है जो लोग अप्लाई करते हैं। और आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड यू गाइस, कि अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो और फिर भी आपके पास कोई कॉल नहीं आ रही है, कोई मेल नहीं आ रही है, तो शैटर्ड बंदा हो जाता है। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू गाइस नॉट टू गेट डिमोटिवेटेड, और आज की वीडियो एंड तक वॉच करना, बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, एक एक बात ध्यान से सुनना। जो मैं आपको आज 5-6 टिप्स दूंगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। अच्छा, और वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि जब मैं दुबई आई थी, मैंने दुबई आने से पहले से जॉब अप्लाई कर दी थी। खैर, मैंने आपको ये वाली बात अपनी वीडियोज़ में बहुत बार बोली भी है कि मैंने दुबई आने से पहले जॉब अप्लाई करी हुई थी। कॉल्स भी आ रही थी, तो उनसे जो जूम कॉल मीटिंग्स पे इंटरव्यूज़ होते थे, बिकॉज ऑब्वियसली आप दुबई में हो नहीं, जूम कॉल इज़ द ओनली ऑप्शन जिससे ऑनलाइन आपके इंटरव्यूज़ हो जाते हैं। सो ओके, तो मैं पहले आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ अपडेटिंग योर CV। अपडेटिंग योर CV इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सर्चिंग अ जॉब। आपने अगर अपना CV 5-6 महीने पहले से बना के रखा हुआ है, 5-6 महीने बीत गए हैं, आपने अपना CV आप अप्लाई कर रहे हो, उस पर जॉब का कोई कॉल नहीं आ रही है, उस CV को अपडेट करो। इसका मतलब ये हुआ, आपने 5-6 महीने से आपने अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज कुछ भी अपडेट ही नहीं किया हुआ है, कोई आपने न्यू स्किल नहीं सीखी। आपको पता है इस टाइम पे जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो कंपटीशन है, वो किस लेवल पे ग्रो हो रहा है, और आपको उस कंपटीशन के लेवल पे अपने आप को मेंटेन रख के चलना है। अगर आपने 5-6 महीने से कोई न्यू स्किल नहीं सीखी, चाहे ऑनलाइन कोर्स किया हो या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, या ऑफलाइन यूट्यूब पे आपने नहीं कुछ भी डिफरेंट कुछ सीखा ही नहीं है, उस CV को अपडेट ही नहीं किया हुआ है, आप ऑलरेडी 6 महीने पीछे हो जो लोग आज की डेट में अपडेटेड रह के जॉब अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो, जो दुबई का इंटरनेशनल फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से अगर आपने अपना CV अभी तक नहीं बनाया है, सो प्लीज़ अपने CV को दुबई स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल फॉर्मेट के हिसाब से अपडेट करो। दुबई का जो CV होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, मैंने उसके ऊपर एक बहुत अच्छी क्लिप बनाई है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वो भी देख लेना। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ, आपको अपने CV में एक ऊपर लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपका फ़ोन नंबर, आपकी Gmail ID प्रॉपर होनी चाहिए, अपडेटेड, जो एक्टिव हो, जिसको आप यूज़ कर रहे हो और जो Gmails आप रेगुलरली चेक कर सकते हो, वो वाली Gmail ID अपने CV में ज़रूर एडिट करें। और अपने CV को एक पेज का बनाओ मैक्सिमम, मैं कह रही हूँ, मतलब अगर हद से आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस 10-12 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास सपोज़, तो आपका CV जो है वो 2 पेज पे जा सकता है। बट मैं ये फिर भी सजेस्ट करूँगी कि आप अपने CV को सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेज का CV बनाओ, किसी के पास 2 पेज का CV पढ़ने का टाइम नहीं है, आपका वो CV स्ट्रेट अवे फिल्टर होके इग्नोर हो जाएगा। मेक योर CV 1 पेज। सेकेंड टिप जो मैं आपको दूंगी, जो मुझे लगता है आपको आज तक पूरे YouTube पे आपने कितनी भी जॉब की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये टिप आपको किसी ने नहीं बताई होगी एंड आई कैन बेट ऑन दैट। सेकेंड टिप है, अपनी जॉब वैकेंसीज मॉर्निंग में अप्लाई करो। आपको पता है दुबई का जो टाइमिंग चलता है वो इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। आप अपनी जॉब, अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, रात को पूरे दिन का काम करने के बाद रात को अपने लैपटॉप पे बैठते हैं, अपने फ़ोन पे बैठते हैं, PC पे बैठते हैं और फिर जॉब्स अप्लाई करते हैं। रात को जॉब्स अप्लाई करने से बेटर है अर्ली इन द मॉर्निंग अप्लाई करना स्टार्ट करो। सुबह 7 o'clock, लाइक जो दुबई का 7 बजे, मतलब आप इंडिया के आप 8 बजे के आपसे आसपास मान लो, या कि 8, 8:15, 8:30 बजे सुबह स्टार्ट कर दो अपनी जॉब्स अप्लाई करना। जो वैकेंसीज आपकी मेल्स पे आ रही हैं नोटिफिकेशंस के थ्रू, उनमें आप अप्लाई
ट्राई करो मॉर्निंग टाइम्स में अप्लाई करो, बिकॉज मॉर्निंग टाइम में जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो एचआरस होते हैं, जो कंपनी के जो सारे जो बंदे मेन हायरिंग टीम होती है, वो सुबह सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हमारे साथ भी यही होता है, हम जब सुबह सुबह फ्रेशली ऑफिस जाते हैं तो जो सुबह 8 से 12 12:30 तक का जो टाइम होता है, लंच से पहले पहले तक का टाइम, उस पर हम लोग बिल्कुल जोरों शोरों से काम करते हैं, सारी मेल्स चेक करते हैं, सबको रिप्लाई करते हैं और जो भी सारा पेंडिंग वर्क होता है उसको फिनिश करते हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, सुबह के टाइम पर अपनी जॉब वैकेंसीज अप्लाई करो और एक बार ये चेंज करके देखो अपनी जॉब वैकेंसीज पे अप्लाई करते टाइम। थर्ड टिप जो मैं आपको दूंगी इज स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर एनवायरमेंट। जिस भी लोकेलिटी में रहते हो, जिस भी एरिया में रहते हो, ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग दुबई आ गए हैं और दुबई आके जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आप दुबई आ चुके हो तो जो आपका एनवायरमेंट है, जो आपकी लोकेलिटी है, जो आपका एरिया है, उसको स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट। एक बार क्या होता है, आप कहीं जाते हो, आप किसी से बात करते हो तो उसे कॉन्टैक्ट बना रहे हो, मेनली अपना कॉन्टैक्ट के थ्रू जब आप बताओगे कि दैट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड दिस एंड दैट, आप इस फील्ड में आपकी क्वालिफिकेशंस हैं या आप ग्रेजुएट हो, इस लाइन में हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो या वॉट एवर, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, आप जब उनको अपने बारे में बताते हो सकता है कि आप उस कॉन्टैक्ट के थ्रू उनसे बात करके अपना सीवी उनको फॉरवर्ड कर सको। सो अगर आप डायरेक्ट अप्रोच से सीवी फॉरवर्ड करते हो तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके पास कॉल आने के, क्योंकि वो सीवी अप्रोच से आया है, लाइक रेफरेंस से आया है। तो उस पर अगर एचआरस, क्योंकि एचआरस और रिक्रूटर्स क्या होता है, सबसे पहले जो रेफरेंस से सीवी आते हैं या जो उनके डेटाबेस में पहले से सीवीज होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। सेकंड वो प्रेफर करते हैं जो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू उनके पास सीवीज आते हैं या फिर जो रिक्रूटिंग एजेंसीज से उनके पास पोर्टल्स आते हैं। सो ट्राई करो अपने आसपास का एरिया एक्सप्लोर करना कि क्या पता आप जिस एरिया में रहते हो उसमें कंपनीज में बाहर कोई पोस्टर लग रहा हो जॉब वैकेंसीज का, सो आपको वहां से भी पता करने का आपका चांस बहुत अच्छा है। सो ट्राई एक्सप्लोरिंग योर एनवायरमेंट एंड योर लोकेलिटी। नंबर फोर्थ टिप, आई गेस फोर्थ टिप जो है ये बताऊंगी आपको कि अपने लिंक्डइन अकाउंट को डोरमेंट मत बनाओ। डोरमेंट मतलब उसको बिल्कुल प्लेन या फिर जिस पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है उस लिंक्डइन अकाउंट पे। जैसे आपको पता है लिंक्डइन अकाउंट पे आप ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस डाल सकते हो, आपने क्या क्या सर्टिफिकेशन कोर्स किया है उसका आप अपना एक क्या कहते हैं उसे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है यार, वो जो फ्लैग सा आता है हमारा, वो कर सकते हो कि मतलब आपने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, सो इट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर यू। अपने लिंक्डइन अकाउंट को एक्टिव रखो, उसमें अपनी जो जिस भी फील्ड से हो आप, सपोज अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से हो तो अकाउंटिंग के अच्छे अच्छे टिप्स डालो उस पेज पे, डिजिटल मार्केटिंग से हो तो डिजिटल मार्केटिंग टिप्स डालो उस पे। अगर आप सपोज किसी टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो, किसी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट में हो, तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या न्यू अपकमिंग मार्केट में आ रहा है उस टाइप का कुछ ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हो, उस पे टिप्स डाल सकते हो। उससे क्या होगा, आपका लिंक्डइन अकाउंट एक्टिव रहेगा, बिकॉज कोई भी एक नॉर्मल से स्लीपिंग अकाउंट से कोई भी कनेक्ट करना नहीं पसंद करेगा। सो अपने अकाउंट को एक्टिव रखो, उस पर कुछ डेली के बेसिस पे लिंक्डइन अकाउंट पे डालते रहो, क्योंकि उससे आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा एंड जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे लोग हैं, वो आपसे लिंक्डइन अकाउंट पे कनेक्ट करने के लिए दे विल बी ईगर टू कनेक्ट विद यू। फिफ्थ टिप जो मैं आपको दूंगी इज एक्सपैंड योर हराइजन्स। मतलब अगर आप सपोज अकाउंट्स की फील्ड में हो तो सिर्फ अकाउंट्स की फील्ड तक मत रहो कि बस आप टैली पे बैठे बैठे सिर्फ आप अकाउंट बुक कीपिंग कर सकते हो। अपने आप को टैक्सेशन में भी थोड़ा सा टैक्स के बारे में भी पढ़ो, थोड़ा ऑडिट के बारे में भी पढ़ो, लाइक एवरीथिंग जो भी अकाउंट से रिलेटेड, जो हमारी फील्ड से रिलेटेड होता है, बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबके बारे में होनी चाहिए। सिर्फ आप अपनी एक लाइन के बेसिस पर अड़े मत रहो कि बस मुझे तो बुक कीपिंग ही आती है, टैली ही यूज करना आता है। अगर सिर्फ टैली यूज करना आता है तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में लर्न करो, एक ओरेकल है आपका, क्विक बुक्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो दुबई में भी फॉलो होते हैं, सो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से सीखो, कहीं पर सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो रहे हैं तो वो कोर्सेज करो। सो इस टाइप के अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करते हो तो आपकी नॉलेज भी अपडेट होती है, आपका सीवी भी अपडेट होता है और आपका जो बेस है, जो मेनली जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, वो बेसिकली एक्सपैंड होगा। तो जब आप इंटरव्यूअर के पास जाओगे, इंटरव्यूअर को पता है कि इसको अगर मैं हायर करता हूं तो ही और शी विल नॉट बी ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दिस फील्ड,
इसको थोड़ा थोड़ा सब चीजों की नॉलेज है, तो हम इसको कोई और काम भी अलॉट कर सकते हैं। सो आपके चांसेस सिलेक्शन सेलेक्ट होने के बढ़ जाते हैं। सो अपना यू नो अपनी लाइन अपनी फील्ड को डाइवर्सिफाई करो, डिफरेंट 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 उसमें क्वालिफिकेशंस डालो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज डालो, नॉलेज डालो, पढ़ो चीजों के बारे में, यूट्यूब से पढ़ो, बुक्स पे पढ़ो। को फिर भी मैं कह रही हूँ पैसे नहीं देके कोर्स करने हैं, तो काफ़ी सारे सेमिनार्स होते हैं, उन सेमिनार्स को अटेंड करो ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो भी आपको मेथड सही लगता है। उन सेमिनार्स को अटेंड करके भी आप अपने सीवी में मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये सेमिनार्स अटेंड किया हुआ है सो एंड सो अच्छी कंपनीज के थ्रू, अच्छे इंस्टीट्यूट से। सो वो भी आपके सीवी को, आपके प्रोफोमा को, आपके प्रोफाइल को, सबको बढ़ाएगा। सो वो आपके लिए बहुत ही ब्राउनी पॉइंट्स रहेंगे, लाइक बोनस पॉइंट्स होंगे। तो उसको ज़रूर करो, सीवी को अपडेट करो, अपनी नॉलेज को अपडेट करो, सोशलाइज हो, अपने आसपास के लोगों से मिलो, अपने आसपास के लोगों से कनेक्शंस करो, अपने लिंक्डइन अकाउंट को एक्टिव रखो, उस पर कुछ कुछ इंटरव्यू, उस पर कुछ पोस्ट, टिप्स, ये सब चीज़ें डालते रहो, क्या अपकमिंग मार्केट में आ रहा है आपकी फील्ड से रिलेटेड, ये सब आप डालते रहोगे। सो आपका उससे क्या होगा, आपका एक तो टाइम, आपको डीमोटिवेशन में नहीं जाओगे कि मैंने सीवी अप्लाई कर रखा है और मेरे पास कोई कॉल नहीं आ रही है, क्योंकि बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर, अपनी फील्ड के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर वर्क कर रहे हो। सो यू आर अपडेटिंग योर सेल्फ को, और सिर्फ एक ही पोर्टल से जॉब्स अप्लाई मत करो, मल्टीपल पोर्टल से अप्लाई करो। अगर खाली लिंक्डइन पे करो तो लिंक्डइन पे अगर कॉल नहीं आ रही तो गो टू नौकरी गल्फ, गल्फ टैलेंट जॉब्स, इंडीड है आपका, मॉन्स्टर जॉब्स हैं, काफ़ी सारी हैं, मतलब जो अच्छी जो चलती हैं उसकी भी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस पर जाके देख लो। एंड आई विश एंड आई होप यू गाइज ऑल द बेस्ट। सो येस, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड ये टिप्स आपके ज़रूर से काम आए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट, लाइक का बटन प्रेस कर देना एंड कॉमेंट भी ज़रूर मुझे करके बताना। कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, बाय।